सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। सबसे बेहतर सबका प्यारा, चमका जैसे एक तारा। ऐसा है काम किया, दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया, दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। एक्शन आदमी इसी का फाउंडर मिलियनियर बन गए। मिलियनियर बनने के बाद आपका टीम का डेवलपमेंट में आप लगातार कंसंट्रेट किया, इसीलिए आप आज बहुत बड़ा नेटवर्क को खड़ा करने का प्रयास में हैं। आई एम श्योर दैट आप बहुत जल्दी क्राउन डायमंड भी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार राम डेयरी ओनसोन डबल डायमंड फॉर टुडे स्पेशल डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल। सर, आज मुझे दोबारा मौका देने के लिए डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे अपना अनुभव शेयर करने के लिए और मुझे मुनि जी के बारे में बात करने के लिए। अरविंद, तुम ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त चीज है, अगर तुम इसका सेवन करोगे तो तुम आजीवन स्वस्थ रह सकते हो, आजीवन जवान रह सकते हो। इतना ही नहीं, तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक सफल बना सकते हो। तो उनके बात में दम मुझे लगा, उनके आंख में, मैंने उनके आंख में देखा तो उनके बात में, उनके आंख में, उनके बॉडी में मुझे वो एनर्जी दिखा। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी नैया को पार करा दी। तो वहां से मेरा विश्वास बढ़ता है और बढ़ने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना चालू कर देता हूं। करने का रीजन क्या था, मेरा करने का वहां भी उद्देश्य रहता है कि मैं खाऊं प्रोडक्ट और मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे जिंदगी भर ये कम से कम प्रोडक्ट फ्री मिले, ये मेरा उद्देश्य होता है। फिर मैं धीरे धीरे खाता गया, साल गुजरा, दो साल गुजरा, तीन साल गुजरा, चार साल गुजरा। चार साल के बाद मैं पुनः के अग्रवाल सर से मिलता हूं और वो मेरे दिमाग का जो कचरा था, पुअर माइंडसेट का जो कचरा था, जो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जैसे ये कप है, जो मेरा जो कप था, ये जो दिमाग का ये जो कप था, इस कप में पुअर माइंडसेट, कचरा माइंडसेट मेरे अंदर भरा पड़ा था। मेरे पिताजी द्वारा, मेरे दादाजी द्वारा, मेरे मोहल्ला द्वारा, मेरे समाज द्वारा, मेरे पूरे कम्युनिटी द्वारा जो माइंडसेट, गरीब माइंडसेट, कौन सा माइंडसेट, नौकरी करो अच्छा मार्क्स लाओ नौकर बनो, अच्छा मार्क्स लाओ नौकर बनो, ये माइंडसेट मेरे दिमाग में भरा पड़ा था। तो इस माइंडसेट भरे हुए कप को मैं खाली नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इस मुंडी को काट करके अलग नहीं कर सकता था। तो मेरे गुरुजी मिस्टर अग्रवाल सर, वो मुझे क्या किए, वो मेरे इस गिलास में, इस कचड़े गिलास में लगातार रिच माइंडसेट, रिच सोच, अमीर वाला सोच लगातार डालते गए, उनके संपर्क में रहता गया मैं उनके पास। कब तक, वो मुझे डांटते थे, उनके पास मैं जाता था, मैं 9 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, मैं 2-2 बजे रात तक उनके पास रहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इनके पास रहूंगा तभी मेरा ये कचरा माइंडसेट निकलेगा। मुझे करने आया नहीं आया, मुझे मालूम है कि इनके पास मैं रहूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं लगातार रहता गया, एक टाइम क्या आया कि मेरे इस गंदे पानी को वो लगातार साफ पानी डालते क्या किए, इस कचरा को बाहर निकाल दिए और मेरा ग्लास आज के डेट में साफ हो चुका है। अभी भी कचरा, हर आदमी के दिमाग में कचरा है, वो भी साफ होता जाएगा। और कोई बोलता है कि मैं पूरी तरह से साफ हूं, नहीं दोस्त, हर कोई पूरी तरह से साफ नहीं है, उसमें वक्त लगता है। तो मुझे विश्वास हुआ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे मैं लगातार चला और 2011 से मैं प्रण लिया कि मैं डीएक्सएन में जिंदा रहूंगा, डीएक्सएन को करूंगा, डीएक्सएन ही मेरी लाइफ है, डीएक्सएन ही मेरी वाइफ है, डीएक्सएन ही मेरी माता है, डीएक्सएन ही मेरे पिता है, डीएक्सएन ही मेरा सेल है, डीएक्सएन ही मेरा टिश्यू है, डीएक्सएन ही मेरा हर चीज है। ये मैंने अपने दिमाग में डाल लिया और 2011 से लेकर के आज तक वो बोले कि बेटा अरविंद, तुमको अगर सफल होना है तो मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो।
और वो बोल रहे हैं इनको आरबीसी का कैंप कभी नहीं छोड़ना है, फ्रीडम डे कैंप कभी नहीं छोड़ना है, तब से मैंने डाल दिया और आज तक मैं लगातार किया और नतीजा ये रहा कि मैं आरबीसी मिलियनेयर क्लब का मेंबर हूं और मैं भी एक मिलियनेयर का सदस्य हूं। तो इसके लिए मैं आप सबको चरण स्पर्श करता हूं, मेरे इस छोटे से इंसान को मेरा जिंदगी बदले, मेरा सोच बदले, मेरे पूरे जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन का पहला सीढ़ी ने मुझे ला दी। अभी मुझे बहुत ऊपर जाना है, तो वो मैं खुद से नहीं कर सकता हूं, मैं केवल आपके मार्गदर्शन में ही कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, आरबीसी मेरा बॉस नहीं है, केके अग्रवाल मेरे बॉस नहीं है, वो मेरे मार्गदर्शक है, मेरे गुरु है, मेरे गुरु पिता है। तो आज मैं यहां पे हूं, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा और उस प्रोडक्ट का नाम है नोनी जी। एक जोरदार ताली होना चाहिए नोनी जी के लिए, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्यों? मैं दो चीजों से परेशान था दोस्त, दो चीजों से। मेरा पहला प्रोडक्ट यही था ज्ञानोर्मा के साथ, मेरा पहला प्रोडक्ट नोनी जी था, माइंड और पेट से मैं त्रस्त हो चुका था। मेरा डाइजेशन इतना डैमेज हो चुका था कि मैं जो भी खाता था लैटरिन के रास्ते से वही निकलता था, मैं जो भी खाता था पच नहीं पाता था, मैं रोटी दाल तक घोल करके खाता था वो भी बाहर निकल जाता था, मैं चम्मच से सत्तू घोल करके पीता था, ये मेरा स्थिति हो चुका था। लेकिन ज्ञानोर्मा के और भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए, मेरे डाइजेशन में काफी अच्छा सुधार आया, फिर मुझे अच्छा नींद आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा। तो एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, एक बहुत बड़ा योगदान जाता है, वह है नोनी जी। तो अब मैं नोनी जी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस डीएक्सएन आरबीसी, आप सबका स्वागत है। नोनी जी, कि नोनी जी है क्या? आज के डेट में इंडिया में कितने लोग जूस पीते हैं, इंडिया में कितने लोग फ्रूट्स खाते हैं, मलेशिया में कितने लोग खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग खाते हैं और कितने लोग पीते हैं? दुनिया का एक एक आदमी जूस पीता है, एक एक आदमी फ्रूट्स खाता है। जूस किसको चाहिए, फ्रूट्स किसको चाहिए? जिस इंसान के अंदर कोशिका है वो फ्रूट्स खाएगा, जिस इंसान के अंदर कोशिका है वो जूस पिएगा। लेकिन नोनी जी जूस क्या है, ये नोनी जी है क्या? नोनी जी दोस्तों, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप जरूर लेकर के बैठिए, ये आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। इस कोरोना के महामारी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस कोरोना महामारी में क्या है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, हम चारों तरफ से बैक्टीरिया वायरस से घिरे हुए हैं। तो हमको क्या करना, हमको अपने आप को तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना है कि मेरा बॉडी, मेरा इम्यूनिटी बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके। तो दोस्तों नोनी जी क्या है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य और बीमारी के बीच जंग चलती रही है, ये आप लोगों को भी मालूम है। और जब जब स्वास्थ्य की हानि हुई है, जैसे आज स्वास्थ्य की हानि हुई है, तब तब प्रकृति के शरण में जाने पर ऐसी औषधियां हमें मिली हैं जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की। आज भी दोस्त आपको प्रकृति ही बचा सकता है, प्रकृति आपको थप्पड़ मारता है बार बार आपको रिमाइंड कि तुम्हें नहीं बचाऊं, तुझे मेरे शरण में आना पड़ेगा, प्रकृति के शरण में आना पड़ेगा और प्रकृति के पास ही समाधान है। तो तुम मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें बनाया है, सुधार सकता हूं, मेरे द्वारा बनाई चीजें ही तुम्हें सुधार सकती है दोस्तों। तो ये
नोनी जी, नोनी जी प्रदान की गई इन औषधियों में समय एक नाम और शामिल हो जाता है। हम अपनी कंपनी डीएक्सएन के एक चमत्कारी प्रोडक्ट नोनी जी की बात करते हैं। नोनी जी क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नोनी जी मोरिंडा सिट्रीफोलिया नामक फल का जूस रस, डायरेक्ट फल का जूस, ध्यान दीजिए, फल का जूस है जो हाथ गोले के आकार का होता है और देखने में से अनानास बड़ा होता है, गोले आकार का होता है। इसके पेड़ सालों भर फल लगते हैं। यदि किसी स्थान से फल तोड़ दिया या तो उस स्थान पर 3 महीने बाद ही दूसरा फल आता है। अगेन ये क्या है, फल है, फल का जूस है, रस है। डीएक्सएन नोनी जी डॉक्टर राल्फ हेनिक को इसकी खोज का प्रमुख श्रेय जाता है। 1972 में जब डॉक्टर हेनिक अनानास में पाए जाने वाले एक तत्व 09 के औषधीय गुणों के बारे में पता लगा रहे थे तो उसी दौरान उन्हें मोरिंडा सिट्रोफिलिया के बारे में पता चला और जब उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इसमें 09 के साथ साथ प्रो 09 और प्रो 09 भी पाया जाता है। ये पता किया गया, कौन पता किया, डॉक्टर राल्फ हेनिक। थोड़ा इंग्लिश में भी जान लेंगे, व्हाट डज रिसर्च टेल्स अबाउट नोनी जी, देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्टडीज ऑन नोनी। वन बायोकेमिस्ट एंड रिसर्चर डॉक्टर राल्फ हेनिक हैज स्पेंट मच ऑफ हिज रिसर्च टाइम स्टडिंग एज एल्कोलाइड कॉल्ड जेरोनिन। दिस इज फाउंड इन नोनी and is also produced by human body। ये मानव शरीर के अंदर भी बनता है, पाया जाता है और नोनी जी के अंदर भी पाया जाता है। This element works to allow the body to activate enzymes। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के enzymes को एक्टिवेट, जगा देता है, एक्टिवेट करता है enzymes को, and regulate and provide structure टू प्रोटीन। रेगुलेट, रेगुलेशन मतलब उसको संतुलन, रेगुलेट ज्यादा बनना कम बनना, उसको बैलेंस रेगुलेट करता है, जस्ट लाइक स्टेबलाइजिंग, और प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द प्रोटीन। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर गड़बड़ है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सही करता है। इट इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी दैट द बॉडी कैन नॉट लीव विदाउट but it does not accumulate at a high enough level in the body to be extracted। मतलब ये इतना ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है बॉडी के अंदर जितना हमें रेगुलर चाहिए। नोनी जूस does not contain appreciable amount of zeronine alkaloid, उतना मात्रा में नहीं मिलता है लगातार, but it does contain large amount of what is precursor to zeronine called prozeronine। अब नोनी जूस के अंदर क्या पाया गया है, precursor to zeronine called prozeronine। The research done by Dr. Hennig focuses on the effect of enzymatic reaction that are due especially to taking नोनी juice on the empty stomach। ये खाली पेट जब हम इसको लेते हैं तो उन्होंने बताया ये हमारी बॉडी के अंदर जा करके एंजाइम के साथ पॉजिटिव रिएक्शन करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्या देता है, थोड़ा हिंदी में जानेंगे, जेरोनाइन क्या है, 09 हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, इसे समझने के लिए पहले शरीर के स्वाभाविक क्रियाओं को समझना होगा। जैसे स्वाभाविक क्रिया क्या है, बाल को बढ़ना, बाल को झड़ना, खाना पचना, सोचना, बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ना, ये स्वाभाविक प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ हमारे शरीर के अंदर नैसर्गिक क्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होता है।
शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं और ये ठीक तरह से तभी काम कर पाती है जब शरीर में प्रोटीन सही आकार एवं अनुपात में मौजूद हो। किंतु अधिकांश हमारे शरीर को प्रोटीन सही अनुपात में नहीं मिल पाता। ध्यान दीजिए यहां पे, हमारे शरीर को प्रोटीन सही अनुपात में नहीं मिल पाता, जिस वजह से शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। मतलब कहने का मतलब, सही अनुपात में नहीं मिल पाने से हमारे शरीर का जो स्वाभाविक क्रिया है वो सही से काम नहीं कर पाता। 09 इस प्रोटीन की बनावट में, 09 का काम समझिए, 09 इस प्रोटीन की बनावट में शरीर के जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देता है और सही आकार देता है। इतना ही, ये सेल वॉल रिसेप्टर्स 09 इस प्रोटीन की बनावट में शरीर के जरूरत के हिसाब से, अब शरीर का जो जरूरत है उसके हिसाब से बदलाव करता है और सही आकार देता है उसको। आकार सही आकार नहीं होगा तो हमारा शरीर उसको पहचानेगा नहीं, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सही आकार देता है और ये हमारे सेल वॉल रिसेप्टर्स की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। परंतु संतुलित आहार, तनाव, प्रदूषण तथा उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में 09 का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती है। अब ये कम कैसे होता है? हमारे बॉडी असंतुलन है, टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है, तो लगातार हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, क्या होता है, हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है टॉक्सिन ओवरलोड होने के कारण। सेल वॉल के ऊपर टॉक्सिन्स का लेयर बढ़ जाता है या हमारा सेल श्रिंक कर जाता है, सेल छोटा हो जाता है और वो सेल सही से काम नहीं कर पाता है या डेड हो जाता है। अब 09 करता क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 09 क्या करता है। नोनी जी के अंदर पाया जाने वाला 09 जैसे ही हम शरीर में लेते हैं, जैसे ही हम शरीर में डालते हैं, ठीक है, जैसे ही गया शरीर के अंदर, यहां देखिए आपको आराम से पिक्चर के साथ बनाया हुआ, ये हुआ हमारा नोनी जी। नोनी जी के अंदर क्या है, प्रो 09, कहां गया, शरीर के अंदर। कैसे गया देखना चाहेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, ये है नोनी जी, क्या है नोनी जी, इसको हम दो पार्ट में लेंगे। नोनी जी एकदम सील पैक, नोनी जी को मैंने खोला आपके सामने, नोनी जी ये फुल बोतल नोनी जी। आप कौन सा नोनी जी लेते हैं, छोटा सा नोनी जी लेते हैं, पूरा डालिए, जूस है, मैंने शुरू में ही बताया क्या है, 2000 साल पहले इसके बारे में बताया हुआ है, जूस है, क्वीन प्लांट है, फ्रूट है, आप इसको जितना भी खाइए, दम भर पीजिए, नहीं देगा सामने में। एकदम सील पैक देखिए, ये नोनी जी का बोतल, ये फुल बोतल नोनी जी, इसको बढ़िया से एकदम मिला लीजिए, सेक कर लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि मुझे शुरू से बताना है अगर कुछ हुआ तो आपके सामने दोनों, मैं इस को एक बार में और लास्ट में आधा दिखाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अंदर कोई कलरिंग एजेंट नहीं है, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं डाला हुआ है, 100%
नेचुरल है। आपके सामने फुल बोतल नॉन एजी पूरा पीजिए, कम क्यों पीते हैं? प्योर जूस है मोरिंडा सिट्रोफोलिया नॉन एजी प्योर, एक बार में पीजिए मजा देखिए। ब्रेन देख अभी काम करना शुरू कर दिया मेरा ब्रेन, इतना जबरदस्त एक्टिव, पेट भी काम करना शुरू कर दिया जबरदस्त। अब इसके आगे का स्टोरी देखिए, मैंने नॉन एजी इसके अंदर प्रोजेरोनिन भरा पड़ा है, कहा गया बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर जाते ही प्रोजेरोनिनेज के साथ मिलकर के क्या बनाया, जेरो नाइन। प्रोजेरोनाइन किसके अंदर है, नॉन एजी के अंदर, बॉडी के अंदर गया प्रोजेरोनिनेज के साथ मिलकर के क्या बनाया, जेरो नाइन। अब ये जेरो नाइन आपका पोस्टमैन की तरह आपके पूरे बॉडी में काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड आगे देखिए, नोनीजी में जो प्रो जेरो नाइन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसे जीरो नाइन का अग्रदूत यानी प्रीकर्सर भी कहते हैं, और जब ये प्रो जेरो नाइन हमारे शरीर में जाता है तो नोनीजी में ही पाया जाने वाला एक अन्य तत्व प्रो जीरो निनेज के साथ मिलकर शरीर में जीरो नाइन का निर्माण कर देता है, जिससे शरीर में इसकी कमी दूर हो जाती है और रिसेप्टर्स को भी बड़ा कर देता है। अब यहां समझिए, बहुत सारे माँ बाप है, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, शरीर नहीं बढ़ रहा है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है, खूब काजू पिस्ता बादाम अखरोट खूब खिलाते हैं, तो खिलाने के बाद भी क्यों नहीं उसको शरीर में लग रहा है, क्या बोलते हैं, देखिए ना डॉक्टर साहब कुछ लग ही नहीं रहा है, सब तो खिला रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? उस बच्चे का, उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उस बॉडी के शरीर के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका का जो सेल है वो सेल टॉक्सिन से कवर्ड है, टॉक्सिन का लेयर चढ़ा हुआ है, टॉक्सिन के कारण वो श्रिंक हो चुका है, लेकिन जैसे ही बॉडी में नोनीजी गया ये उस टॉक्सिन के कवर को हटा करके सेल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके कोशिका के छिद्र को खोल दी। अब कोशिका का छिद्र जब खुला, इसका छिद्र कोशिका, शरीर का जो जड़ है क्या, कोशिका। अब कोशिका का छिद्र जब खुलेगा तो क्या होगा, काजू डालिए, पिस्ता डालिए, बादाम डालिए, स्पिरना डालिए, आरजीजीएल डालिए, स्पाइसी डालिए, कोको जी डालिए, कुकीज डालिए, जो डालना है सब डालिए, क्यों, आपके शरीर का जो जड़ है, जो कोशिका है, उसका जो सेल वॉल है, उसको जेरोनिन क्या कर दिया, खोल। अब खुल गया, उसको परमिशन दे दिया, बोला कि नहीं 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 तो मस्त चीज है, झकास चीज अरविंद जी आप डालें, ये तो आपके कोशिका को चाहिए, परमिशन दे दिया, खोलो। अब डालो स्पर्ना डालो, कुकीज डालो, आरजीजीएल डालो, जो डालना है डालो। अब आप स्पर्ना खिलाइएगा, अब आप आरजीजीएल खिलाइएगा, तो जो
जितना काम करता है उसका 10 गुना से 20 गुना ज्यादा ताकत को कौन बढ़ा दिया? नोनी जी। ये है पावर नोनी जी का। क्लियर? आगे देखिए, सेल वॉल रिसेप्टर्स को बड़ा कर देता है, खोल देता है, आसानी से सब चीज जाने लगता है, जिससे ये आसानी से पोषक तत्व ग्रहण कर सके। अब सब डालिए, सब ग्रहण करेगा, अब आपका दिमाग भी बढ़िया से काम करेगा। अब आपके दिमाग को जो चाहिए पोषण, दिमाग में चला गया। किडनी को जो चाहिए, किडनी को चला गया। लीवर को चाहिए, लीवर एक्सेप्ट किया। मेरे मैंने खुद आजमाया है इस चीज को। क्या आजमाया है? जब मैं स्पर्ना खाता था 6 सुबह 6 शाम, तो लैट्रिन से, टॉयलेट से जो मुझे स्पर्ना जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए था बॉडी, उतना नहीं होता था और सुबह ग्रीन जैसा होता था। लेकिन जब मैंने नोनी जी लेना शुरू किया तो मेरा लैट्रिन ग्रीन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बॉडी में जो स्पर्ना गया, ये पूरा बॉडी को एब्जॉर्ब किया। यानी स्पर्ना, जो स्पर्ना आप 12 गो का ताकत लेते हैं, नोनी जी देने से 6 स्पर्ना नहीं, आपको 12 स्पर्ना की ताकत मिल रहा है। ये है पावर नोनी जी का। समझ में आया कि नहीं आया जी? इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, ठोक लीजिए। क्या पावर है? इस तरह नोनी जी ना सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखता, बल्कि बीमार व्यक्ति को भी जल्द ठीक होने में मदद करता। क्यों? क्योंकि ये रोग पे काम नहीं कर रहा, ये तो मेरे सेल को हेल्दी किया। जब सेल हेल्दी हो जाएगा दोस्त, तो बीमारी टिकेगा क्या शरीर के अंदर? बीमारी अपने आप गायब। एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर कभी भी बीमार चीज नहीं टिकेगा। ये पावर है। अब थोड़ा इसमें एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको। नोनी जी, ये देखिए नोनी जी फ्रूट। इस नोनी जी फ्रूट के अंदर Pro09 पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तीन इधर, तीन देखे हैं और ये देखिए इधर, तीन एक दूसरे से बाइंड किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है Pro09। नोनी जी में Pro09 जो पाया जाता है। Pro09 मैंने लिया आपके सामने, देखा आपने, बॉडी में गया, बॉडी खुश, पूरा मेरा लीवर का कोशिका, ब्रेन का कोशिका, किडनी का कोशिका, आंख का कोशिका, पूरा खुश है। मूड लग रहा है कि आह क्या जबरदस्त चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त। Pro09 नोनी जी के साथ कहां गया? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाने के बाद कहां गया? लीवर में। अब यहां ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। Pro09 लीवर से आंतों में होते हुए पूरे रक्त वाहिनी में चला गया, और रक्त वाहिनियों से कहां चला गया? कोशिका तक चला गया। कौन चला गया? Pro09। अब इसका तांडव देखिएगा, कैसे करेगा अपना तांडव। शिव जी अपना काम में इस्तेमाल करेंगे। अब बॉडी के अंदर Pro09 के साथ Pro09 मिक्स किया। यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है Pro09 प्लस Pro09, ये कंबाइन करें। ये देखिए Pro09 के साथ मिला Pro09 प्लस Pro09 का बाइंडिंग, ये देखिए यहां बन गया। अब बनने के बाद नेक्स्ट, ये बाइंडिंग हुआ। अब बाइंडिंग होने के बाद आगे दिमाग में, बॉडी में सेरोटोनिन बना। अब सेरोटोनिन के साथ ये मिल गया, कौन सा मिल गया? Pro09 प्लस Pro09 जो बाइंडिंग है, ये अगेन सेरोटोनिन के साथ मिल गया, बाइंड कर गया। ये देखिए यहां पे, ये जो गोल गोल देख रहे हैं रसगुल्ला जैसा, ये और ये है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के साथ ये मिला। अब मिलने के बाद ये सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन। जैसे मैं, मुझे अब मेरा हैप्पी लेवल बढ़ रहा है। अब हैप्पी लेवल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं गुरुजी के बारे में बात करना चाहूंगा। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं नोनी जी के वजह से, ज्ञानोर्मा की वजह से, लेकिन अग्रवाल सर को, मेरे गुरु जी को, मेरे रिच डैड को पूरा डेहरी ऑनसोन पागल घोषित कर दिया था, ये समझ लीजिए। क्यों? इनका मूड हमेशा उखड़ा रहता था,
इनके घर के लोग भी परेशान क्योंकि मैं इनके साथ लगातार 11 साल बिताया हूं जी, एकदम फैमिली मेंबर की तरह, और मैं इनकी पूरे एक्टिविटी को देखते रहता हूं, इनका मूड को। बहुत चिड़चिड़ा, सब जगह दवा करा चुके थे और डॉक्टर ने क्या बोला था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब अब आपको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। और इसके बाद हमको अग्रवाल सर बताए भी थे कि मुझे पागल का दवा खिलाना शुरू कर दिया था जी। लेकिन नोनी जी, इनके मित्र, इनके सहयोगी, इनके साथ में जो साथ रहते थे, वो इनको नोनी जी से मुलाकात कराते हैं, और नोनी जी लेने के बाद इनका जब मूड चेंज हुआ, जब इनको अच्छा फील हुआ, इनको रियल में इनको एहसास हुआ, तो आज भी एक्शन में जो आपके सामने दिख रहे हैं, इतने अच्छे, इतने सही, इतने ग्रेट लीडर, हम सबके मेंटर जो दिख रहे हैं, वो केवल और केवल ये नोनी जी का कमाल। तो दोस्तों, इनके पास तो पैसा बहुत है, इतना पैसा है, हर महीना 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का इनके घर में प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है। इनके पास इतना प्रोडक्ट है कि ये अपने स्टाफ लोगों को बांटते हैं, लेकिन ये इतना व्यस्त रहते हैं कि सही से नोनी जी नहीं ले पाते। मैं अभी का रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये सही से नोनी जी नहीं ले पा रहे, तो मैं डाउनलाइन को तो नहीं बोलूंगा, जितने भी इनके अपलाइन है, अगर आपसे अगर रूट करके बात कर रहे हैं या टाइट होके बात कर रहे हैं या बहुत कड़क मूड खराब होके बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उस दिन नोनी जी नहीं पिए, तो आप उनको नोनी जी पीने के लिए जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो आज उनको जिंदगी देने वाले ये है नोनी जी। दोस्त बहुत बहुत थैंक्स कि नोनी जी उनको मिला और मुझे वो मिले जो मेरी जिंदगी को बदल, सेरोटोनिन क्या है, ब्रेन में पाया जाने वाला हैप्पी हार्मोन, आपको एकदम हैप्पी हैप्पी फील करेगा, मस्त लगेगा जी। 09, ये देखिए 09, ये इसके साथ मिल गया, अब 09 कंप्लीट हो गया, सेरोटोनिन के साथ मिल करके 09 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बताया हुआ है प्रो 09 प्लस प्रो जीरोनिनेज की बाइंडिंग प्लस सेरोटोनिन इज इक्वल टू 09। अब ये मिल गया, मूड अच्छा हो गया, सेल रिसेप्टर खुल गया, बॉडी के अंदर अच्छा चीज जाने लगा, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होने लगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पेट में जो डाइजेशन है, आंत का जो सेल रिसेप्टर है, आंत भी एब्जॉर्ब करने लगा, आपका लीवर भी बढ़िया फंक्शन करने लगा, आपका दिमाग भी बढ़िया फंक्शन करने लगा, अब आप अच्छा महसूस करने लगे, आपका पाचन क्रिया मजबूत होने लगा, अब जो डालो आने दो, एब्जॉर्ब करने दो, ये पावर है 09 का। ये देखिए बेचारा प्रोटीन, प्रोटीन का मुंह कैसे लटका हुआ है, प्रोटीन बेचारा अधूरा है, डैमेज प्रोटीन है, मुंह लटकाया हुआ है। हर आदमी प्रोटीन इज व्हाट, बिल्डिंग ब्लॉक से दोस्त, बाल प्रोटीन से बना हुआ है, हाथ प्रोटीन से बना हुआ है, आंख प्रोटीन से बना हुआ है, लीवर प्रोटीन से बना हुआ है, किडनी प्रोटीन से बना हुआ है, हार्मोन प्रोटीन से बना, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स, मसल्स, आपका एक एक चीज प्रोटीन से बना हुआ है। अगर प्रोटीन नहीं होगा दोस्त, तो आपका कोई भी अंग बढ़िया से फंक्शन नहीं करेगा, और कोई भी हार्मोन, चाहे वो ब्रेन का हार्मोन हो, हार्मोन क्या है, हार्मोन प्रोटीन है, पेप्टाइड बॉन्ड से, उसके अंदर हार्मोन, हार्मोन मतलब कंप्लीट प्रोटीन से बना ही है, और इस हार्मोन को रेगुलेट करने में, हार्मोन को रिपेयर करने में, हार्मोन को सही स्ट्रक्चर देने में, प्रोटीन को सही स्ट्रक्चर देने में जेरोनिन का जबरदस्त रोल है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग का हार्मोन, लीवर का हार्मोन, किडनी का हार्मोन, पेनक्रियाज, ये सब का हार्मोन, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, सब का हार्मोन, पूरा अंग पूरा सिस्टम अगर सही से काम करे, लगातार रिपेयर होता रहे, तो आप क्या दीजिए, नोनी जी। ये देखिए, ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये 09, ये प्रोटीन, अब ये प्रोटीन और 09 मिल रहा है, प्रोटीन और 09 मिला, प्रोटीन और 09 मिला, तो क्या हुआ, एकदम खुश हो गया। ये देखिए प्रोटीन बेचारा अकेला, लेकिन जैसे ही इसके साथ 09 मिला, तो इसका मूड बदल गया, ये रिपेयर हो गया, इसको एक नया ऊर्जा मिल गया, एक नया एक्टिविटी मिल गया। अब देखिए 09 प्लस प्रोटीन, हैप्पी प्रोटीन,
अब देखिए ये टोपी भी पहन लिया, चश्मा भी लगा लिया, टाई भी लगा लिया, अब सब अपना काम अपना अलग अलग कर रहा है। शुगर को जो रेगुलेट करता है वो अपना सही से काम करने लगा, सेक्स हार्मोन को जो कंट्रोल करता है वो अपना काम करने लगा, एड्रेनलिन ग्लैंड को जो काम करने लगा, थायराइड ग्लैंड को काम करने लगा, सब अपना अपना काम सही से करने लगा जी। ये काम है 09 का, है ना दोस्तों मजेदार। अब देखिए 09 प्लस प्रोटीन ये जब ये मिलता है तो क्या काम करता है आपके बॉडी के अंदर जाकर के, सभी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं अंगों की मरम्मत। अगर आपका बॉडी कहीं भी डैमेज है, किसी भी अंग में डैमेज है, चाहे वो लीवर में डैमेज हो सकता है, किडनी में डैमेज हो सकता है, ब्रेन में डैमेज हो सकता है, लंग्स में डैमेज हो सकता है, आपके बॉडी पार्ट के, आपके पूरे बॉडी में किसी भी अंग में अगर डैमेजेस है तो उसके रिपेयर करता है दोस्त। कि बाहर जाते हैं जैसे स्कूटी का रिपेयर कराते हैं, मोटरसाइकिल का रिपेयर कराते हैं, कार का रिपेयर कराते हैं, तो क्या आप अपने किडनी को रिपेयर कराने जाते हैं क्या? किडनी निकालो, हार्ट निकालो, रिपेयर करो, फिर अंदर डालो, करते हैं? नहीं। कौन करता है? दिस इज नोनी जी। फ्रेंड अद्भुत चीज है, हैप्पी प्रोटीन, स्वस्थ प्रोटीन, रिपेयर चालू। जब आपका प्रोटीन हैप्पी होगा, प्रोटीन स्वस्थ होगा, आपका रिपेयरिंग चालू होगा। ये पावरफुल जेरोनिन का काम है। और जेरोनिन प्लस प्रोटीन ये मिला तो आप क्या किया, आपका डिफेंस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने लगा, शरीर को बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करता है। अब देखिए क्या करता है, अब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को सही निर्देश देना शुरू, क्या कोशिकाओं को सही निर्देश, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ये देखिए ये विसिल लिया है, ये बोल रहा है कि ट्रक तुम रुक जाओ, तुम अंदर जाओ। अब आपके सेल के अंदर जो सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल मतलब क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो डिसाइड देना, वो अपना काम शुरू कर दिया कि नहीं 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 तुम टॉक्सिन हो, तुमको अंदर हम नहीं जाने देंगे, नहीं 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 ये तो जेरोनिन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे ये स्पर्म है, आ जाओ आ जाओ, अरे ये विटामिन है, अरे ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाएगा, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये काम मस्त करना शुरू कर दिया। दोस्तों सोचिए कितना भगवान द्वारा बनाया हुआ अद्भुत शरीर जो पहले से ये करता है, लेकिन टॉक्सिन्स के ओवरलोड होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ये काम सही से नहीं हो पाता। और ये कौन कर रहा है? नोनी जेरोनिन। एक एग्जांपल लेना चाहेंगे दोस्त, यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडियन क्रिकेट टीम। अगर एक इंडियन क्रिकेट टीम, कोई भी क्रिकेट टीम को अगर लंबे समय तक जीत हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक परिवार को लंबे समय तक अपने मोहल्ले में नाम बना करके रखना है। लोग बोले कि देखो यार ये तो गजब का फैमिली है, इसका 5 भाई है, लड़ाई नहीं हो रहा है। क्या? कोऑर्डिनेशन। टीम, इंडिया टीम, अगर बैट्समैन, कीपिंग करने वाला, तो सबका अपना अपना, अगर ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे से नहीं करे तो क्या ये टीम जीत पाएगा, क्या ये टीम चल पाएगा, क्या ये टीम रन बना पाएगा, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा दोस्त। तो सेम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर लीवर, किडनी, ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सब एक दूसरे में कोऑर्डिनेट होकर के चलता है। जैसे मेरा दिमाग सिग्नल दिया पेट में, अरविंद तुम्हारे पेट में न्यूट्रिशन नहीं है, तुमको खाना चाहिए, चलो जाओ, मैसेज दिया। लेकिन अब मैसेज दिया यहां, यहां से फिर यहां आया कि जाओ तुमको ये काम करना है, मैं नहीं गया, मैंने एक दूसरे का तालमेल, टेंशन, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या हुआ? आपका भूख खत्म, कोऑर्डिनेशन टूटने लगा। जब भूख खत्म, बॉडी को नहीं मिला, बॉडी की नहीं मिला, कमजोर, अगेन दिमाग पे असर, फिर आपका सारा कोऑर्डिनेशन खत्म। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन देता है, यहां से सिग्नल गया शरीर में, पेट से गया ब्रेन में, भूख लगा, हाथ गया खाना बनाने, खाना बना करके लाया, फिर हाथ ने क्या किया, खाना को मुंह में डाला, मुंह ने कोऑर्डिनेट किया, लार बनाना शुरू किया, लार ने कोऑर्डिनेट किया, और उसे फोकस को अंदर गया,
इनगल्फ किए, अंदर गया पेट में, ये कोऑर्डिनेट किया लीवर में गया, पाचन क्रिया शुरू हुआ, यहां से कोऑर्डिनेशन मिला आंत को गया, आंत ने एब्जॉर्प्शन हुआ, अब वहां पे क्या किया एब्जॉर्प्शन, ये वो दूसरे के कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये है कोऑर्डिनेशन। नाक ने सांस लिया, सांस अंदर गया, फेफड़े ने कोऑर्डिनेट किया, वहां से ब्लड स्ट्रीम में डाला, ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन गया, पूरा सर्कुलेट किया, एक एक सेल में गया, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन। अब बोला कि नहीं नहीं हम सांस नहीं लेंगे, तुम कुछ भी करो हम सांस नहीं लेंगे, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही पर मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है जी, किडनी सपोर्ट करना बंद कर देता है तनाव के कारण, लीवर सपोर्ट करना बंद कर देता है तनाव के कारण। आप ध्यान दिए होंगे, जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपका सांस बढ़ जाता है, ये क्यों होता है? आपके बॉडी को ज्यादा चाहिए, दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तनाव में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, अगर एक्सेस हुआ तो पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सामंजस्य होना जरूरी है। कौन बना कर देता है? नोनी जी। नोनी जी के अंदर पाया जाने वाला जेरोनिन, जेरोनिन क्या करता है, आपके पूरे हार्मोन को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है। थोड़ा अगले स्लाइड में हम देखेंगे, हमारे अंदर 11 तरह का सिस्टम है पूरे बॉडी में, शॉर्ट में नाम लेना चाहेंगे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका काम क्या है, पूरा सर्कुलेट करना बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गया शरीर के अंदर, वहां से लिया, वहां से छोड़ा। नंबर दो, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम है डाइजेशन, माउथ से लेकर के एनस तक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, तब ये चलता है। नंबर थ्री, इंडोक्राइन, अगर इंडोक्राइन गड़बड़ बनेगा तो क्या होगा, किडनी डैमेज हो सकता है, इंडोक्राइन बच्चा नहीं हो सकता है, स्ट्रेस के कारण बच्चा नहीं होता है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जाइगोट ये सॉरी ओवरी सही से नहीं बन पाना है, जो मेल का जो स्पर्म है वो सही से नहीं बन पाता, इंडोक्राइन सिस्टम बहुत बड़ा रोल है कोऑर्डिनेशन का, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल है, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस के कारण बॉडी को कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण बॉडी ही अपने चीजों को दुश्मन समझने लगता है, इम्यून सिस्टम अपने ही कोशिका को दुश्मन समझने लगता है और मारने लगता है, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की इतना बढ़िया जबरदस्त इसका रोल है, जबरदस्त, सेरोटोनिन जबरदस्त इसका काम है, रेनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी में गया गंदगी, गंदगी को निकालना उसको काम है, खून को फिल्टर करना इसका काम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज बहुत बड़ा केस बढ़ चुका है बच्चा नहीं होने का केस, जवानी में बच्चा नहीं होने का केस, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, इसका कारण है हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनना चाहिए वो हार्मोन सही से नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी के अंदर, इसको भी कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, ये 11 सिस्टम एक दूसरे के साथ जब तालमेल बनाएंगे तभी हमारा बॉडी सही तरीके से चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। एक परिवार को अगर लंबे समय तक चलाना है तो सबको एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अगर आरबीसी को सही से चलना है तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, डीएक्सएन को सही से चलाना है तो एक हर लीडर को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सामंजस्य। जब तक से सामंजस्य नहीं होगा हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लीडर में भी सामंजस्य हो, नोनी जी पीजिए, नेटवर्क में सामंजस्य हो, नोनी जी पीजिए, बोनस में सामंजस्य हो, नोनी जी पीजिए, एक दूसरे के अंदर ट्रांसपेरेंसी आवे, नोनी जी पीजिए, अच्छा मूड हो, नोनी जी पीजिए, डाइजेशन बढ़िया हो, नोनी जी पीजिए, अगर आपके बॉडी लेडीज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, नोनी जी, हर चीज में नोनी जी पीजिए। क्यों? पावर को बढ़ाता है। क्यों? फैक्ट्री है हार्मोन का दोस्तों, फैक्ट्री, महिलाओं में ज्यादा बड़ा फैक्ट्री है कि जेंट्स में फैक्ट्री है हार्मोन का? महिलाओं में दूध बनाना हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, थायराइड, जो लेडीज लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम आता है, हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल,
अवसाद होना हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तुरंत खुश हो जाना हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, उदास रहना, बहुत सारी महिलाएं उदास हो जाती है हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, अच्छा सोच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, कुछ बुरा नहीं हुआ फिर भी बुरा महसूस कर रहे हैं हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। अब ये देखिए कितना बढ़िया से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ लीवर है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, यहाँ पे हार्ट है, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है 09 प्लस प्रोटीन, तभी हार्मोन को सूक्ष्म स्तर तक तालमेल बनाने का काम, सूक्ष्म स्तर तक दोस्त, अगर हार्मोन सूक्ष्म स्तर से भी अगर गड़बड़ हुआ बना तो हमको प्रॉब्लम कर सकता है जी। सभी अंगों और सिस्टम के क्रियाओं का एक दूसरे से सामंजस्य बनाता है नोनी जी, जो मैंने एक बार में भी आपके सामने हूं, मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, माइंड मैं दोस्त नोनी जी पी लिया हूं, अगर आप भागिएगा नहीं मैं 8 घंटा लगातार केवल नोनी जी के बारे में बात करता रहूं, लेकिन मेरे पास समय का सीमा दिया हुआ। Why zeronin is so important for us? Zeronin चाहिए क्यों? Reason. Nutrition depletion. हमारे बॉडी में nutrition depletion हो रहा है, खेत में nutrition depletion हो रहा है, उसको absorb करने के लिए nutrition. आप nutritious चीज ले रहे हैं लेकिन absorb नहीं हो रहा है, ये absorb करेगा। Poor nutrition है आपके बॉडी के अंदर, आपके फूड के अंदर absorb करेगा। Illness के कारण ये हमारी illness को रोकेगा और illness को क्या करेगा, क्योर भी करेगा। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अगर आप स्ट्रेस में जी रहे हैं इसका मतलब सेरोटोनिन सही नहीं बन रहा है जी, ये बनाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा, एजिंग प्रोसेस को कम करेगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर एक तालमेल नहीं है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को तालमेल पैदा करेगा अमंग ऑल सिस्टम, दैट्स व्हाई वी नीड सेरोटोनिन। एंड हियर In this nonizi, zeronin is available in plenty. Nonizi हमारे शरीर के लिए रक्त शोधक, खून की सफाई करने वाला का भी काम करता है, शरीर में जाने वाला विषाणु और टॉक्सिन को शरीर से बाहर करता है तथा इनसे हमारी रक्षा भी करता है nonizi। nonizi को एडेप्टोजेन भी कहा गया है और ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग, सूजन से बचाता है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द में आराम मिलेगा जी, दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हार्मोन है। एनाल्जेसिक होने के साथ साथ हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जो मैंने अभी बताया आपको, बता चुका हूं अभी, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। नोनीजी एडेप्टोजेन के रूप में शरीर के सभी अंगों, इंटरनल ऑर्गन के कार्य क्षमता को सामान्य बनाता है एवं एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जब इस पर शोध हुआ तो ये विटामिन सी के तुलना में बेहतर एंटीऑक्सीडेंट साबित हुआ। जब हम बहुत सारे सिगरेट पीते हैं दोस्त, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, जब हम धूम्रपान या किसी भी तरह के नशे का सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे कैंसर होने की खतरा रहता है दोस्त, ये बचा है। और कोई एडिक्टेड है स्मोकिंग से, वो बोलेगा कि हम जिंदगी छोड़ देंगे स्मोकिंग, नहीं छोड़ेंगे दोस्त, उसको आप दीजिए आप, वो बचा सकता है, ये मालूम है वो नहीं छोड़ेगा बुरा चीज, लेकिन अच्छी चीजों तो उसके लाइफ में शामिल कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। ये जूस ऑफ इमोर्टिलिटी, अमृत प्रदान करने वाला फ्रूट जूस नोनी जी, परंतु नोनी जी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, किसको, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और कैंसर के खतरे से बचाता है। एक एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दर्द या सूजन को कम करता है। बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, स्वेलिंग मतलब टॉक्सिन्स का ओवरलोड,
इम्यूनिटी वो गट्स के बारे में बताया गया हुआ था पहले से ही, रंजन सर बताए थे सूजन का रीजन, तो इसमें बहुत अच्छा रोल है। तथा दर्द सहने की क्षमता, आपके शरीर के अंदर दर्द को बर्दाश्त, बहुत तो पेन होता है बॉडी के अंदर, अलग अलग तरह का पेन होता है, तो जो पेन दर्द को जो सिग्नल देता है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, काफी अनबियरेबल पेन, आप क्या करते हैं पेन किलर खाते हैं, पेन किलर आपके बॉडी को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो तो हम पेन किलर दवा लेते हैं जिसमें पाया जाने वाला मॉर्फिन सल्फेट कॉक्स नामक एंजाइम को दबा देता है, जिससे हमें दर्द में आराम तो मिलता है परंतु उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो आप लेते हैं उसका साइड इफेक्ट है दोस्तों, किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, साथ ही साथ इसके नियमित इस्तेमाल से इसकी आदत भी पड़ जाती है, जो आप बाजार में केमिकल वाला अंग्रेजी दवा आप लेते हैं। लेकिन नोनीजी लेने से आपके अंदर उन साइड इफेक्ट्स को बचा सकता है और दर्द सहने की क्षमता को बढ़ा सकता है। हमारे गुरु जी हमको मालूम है उनको घुटने में दर्द रहता है, जबरदस्ती ये पीते हैं तो उससे वो उससे बचा देता है। वहीं नोनी जी का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। कितना सुरक्षित है अब दोस्तों, इससे बड़ा हमारे प्रिय मित्रों, प्रिय लीडर्स, अब देखिए कितना सुरक्षित है। मैं आपके सामने आधा घंटा पार कर चुका है, आपके सामने मैंने एक बार में नोनी जी फुल पिया। मार्केट में नोनी जी जो आता है दोस्त, मुझे कुछ लोग बोले प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, इट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, उसके अंदर कोई ऐसा चीज डाला हुआ है जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें कुछ ऐसा चीज डाला हुआ है जो प्रेग्नेंट लेडीज को हार्म कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि प्रेग्नेंट लेडी आराम से ले सकती है उसके बच्चे के लिए और उसके लिए भी, पूरे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन को फैक्ट्री को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बनाए रखने के लिए जबरदस्त आप उसको दीजिए, इतना बढ़िया स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये इसका पावर है। बाहर मना करता है, बाहर की नॉनजी, दूसरी कंपनी मना करती है कि प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप आराम से प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये इंडोर्फिन नामक हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। इंडोर्फिन क्या करता है, जो दर्द की अनुभूति होती है वो समाप्त होता है, आपको महसूस नहीं होगा। प्राकृतिक जिनके जोड़ जोड़ में दर्द की शिकायत हो, जिनके जोड़ जोड़ में दर्द की शिकायत हो, जिसे गाउट कहते हैं, उनके लिए नोनी जी बहुत फायदेमंद है। अब ऐसा नहीं है कि आप गठिया के लोगों को, गाउट्स के लोगों को पकड़ने लगे दोस्तों, ये हेल्प करता है। इट्स अ फ्रूट, इट्स अ जूस, उसके रोजमर्रे के जिंदगी में अगर आप डाल लेते हैं तो बाकी की जो जिंदगी है वो बेहतर जिएगा, वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा और उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, स्वस्थ लाइफ बढ़ जाए। इसके साथ साथ ये पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन तथा तनाव में भी फायदेमंद है प्राकृतिक तरीके से। ऐसा नहीं कि माइग्रेन को खोजने लगी, दर्द वाले को खोजने लगे, नहीं, आप उसको दीजिए जिस तरह से कोई फ्रूट्स जूस पीते हैं, उस तरह से रोजमर्रे की जिंदगी में आप इसको लीजिए। पूरा बोतल लीजिए ना दोस्त, 50,000 कमाइए, 1,00,000 कमाइए, 5,00,000 कमाइए, लीजिए एक बोतल पूरा रोज, अभी नहीं है कोई बात, 30 ml लीजिए, 30 ml सुबह, 30 ml शाम ले सकते हैं ना। अगर उतना भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों, 15 ml सुबह, 15 ml शाम लीजिए, लेकिन रोज डालिए और इससे पैसा बनाइए, लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को जिंदगी बचाइए और लोगों को पॉकेट स्वस्थ कीजिए। आप रोज एक बोतल पी सकते हैं, रोज रोज एक दो एक बोतल पी सकते हैं नोनी जी, पियेंगे मेरे साथ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में इसके उपयोग को देखें, इसमें पाया जाने वाला एंथ्राकिनोन बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों जैसे इकोलाई, बीकोलाई, ये बहुत बड़ा, बहुत खराब प्रॉब्लम है। एक बार इकोलाई, बीकोलाई प्रॉब्लम अगर बॉडी के अंदर चला गया दोस्त,
जल्दी डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं और आप इलाज कराते रहते हैं कराते रहते हैं कराते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये हमारे बॉडी में जा करके इकोलाई बी कोलाई के जिसको भी इन्फेक्शन है उसमें बहुत ही आराम देता है, बहुत जबरदस्त लाभ पहुंचाता है। तथा एचआईवी की रोकथाम मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इंटेस्टाइनल वॉर्म यानी पेट में या आंत में कीड़े हो जाए तो इसका सेवन करने से लाभ मिलता है। इसमें विटामिन मिनरल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिनमें एंथ्राक्विनोन, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, निनोलेनिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी एवं सी प्रमुख है। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। महिलाएं, माताएं, बहनें, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है। कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से 9 महिलाओं को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंस का प्रॉब्लम, लिकोरिया का प्रॉब्लम। और एक चीज बता दे दोस्त, ये ऐसा फल का ऐसा वरदान है कि अगर 10 महिलाओं को ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि नहीं इसके आगे हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, इसके आगे आपको ठीक नहीं हो सकता है, अगर उनको भी दिया जाए तो 10 में से 8 महिलाओं के अंदर नोनी जी जा करके बॉडी को रिपेयर करके उस 8 महिलाओं तक को स्वस्थ बना देता है, ऑपरेशन तक के नौबत को रोक देता है प्राकृतिक तरीके से। ये है नोनी जी का पावर। मासिक होना कम, बहुत सारी महिलाएं जिसको कम मासिक होता है, ज्यादा मासिक होता है, अधिक होता है, लिकोरिया इत्यादि, बहुत ही बेहतर परिणाम मिलता है इन समस्याओं में। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मां के लिए इसका सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। मार्केट में बहुत सारा ऐसा आता है जो बोलता है कि नहीं नहीं लेना है। यही है डीएक्सन का पावर, क्वालिटी, डेटो डॉक्टर लिम्सियोजिन की समझौता, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मां के लिए इसका सेवन पूरी तरह से सुरक्षित एवं फायदेमंद है और इसे किसी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति के साथ लिया जा सकता है। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो, किसी भी पैथी के साथ आप इसे ले सकते हैं क्योंकि यह 100% नेचुरल है, 100% प्रिवेंटिव। आप इसको कितना भी, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। नोनी जी कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी एवं लीवर की समस्याओं, गठिया, दम्मा, तनाव जैसी बड़ी बीमारियों में लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनसे हमारी रक्षा भी करता है, अर्थात ये बड़ी बीमारियों से बचाव के साथ साथ उनका सुधार भी करता है। बचाव, हमको कहां काम करना है, बचाव, प्रिवेंशन, सबसे पहला हमको प्रिवेंटिव काम करना है। देन उसके बाद अगर किसी को है, वो मांग रहे हैं, तो साफ साफ बोलिए कि अगर आप इसको लेते हैं तो जो समस्या है उस समस्या में सुधार आएगा और उन समस्याओं के बढ़ने से हम रुक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और अगर आपका बॉडी सही तरीके से कोशिका स्तर से सुधार हो जाए तो आप उन समस्याओं से परमानेंट निजात भी पा सकते हैं। ये है पावर प्राकृतिक नोनी जी का। इसे प्रतिदिन टॉनिक की तरह भी लिया जाए, टॉनिक आप डेली लीजिए जा सकता है, लिया जा सकता है और लिया जाना ही चाहिए। डेली लीजिए दोस्त, 15 ml लीजिए, 30 ml लीजिए, 60 ml लीजिए, 100 ml लीजिए, 600 ml लीजिए, मेरी तरह एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पॉकेट उतना बॉडी में डालिए। लंबे समय तक जीवन का मजा लेना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि 70 साल में भी जवान रहें, अब जो जवान आप जिस तरह का समझ सकते हैं तो हर तरह का जवानी का आप आनंद ले सकते हैं, 100 साल में भी आप बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं, ये है नोनी जी का ताकत जी। 60 साल की महिला भी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था दोस्त, गैनोरमा पावर, नोनी जी का पावर से 60 साल की महिला को स्वस्थ शिशु जन्म, क्या पावर है नोनी जी का। ये देखिए, ये है नोनी जी, ये नोनी जी के अंदर गया,
सर ये बॉडी के अंदर गया नोनी जी, अब नोनी जी जैसे ही गया क्या किया, इसके अलावा रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ध्यान दीजिए रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, मैं नहीं बोल रहा हूं, अ रिसर्च बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कॉलेज, ये बता रहा है कि अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है, ये बता रहा है। तो दोस्तों एक जोरदार ताली जहां भी आप जोरदार ताली नोनी जी के लिए बजाइए। आगे देखिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोनी रिसर्च ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि नोनी जी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी हेलमेंटिक, हाइपरटेंसिव, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये इतना सारा फायदा है नोनी जी का, ये मैं नहीं बोला हूं, वो रिसर्च बता रहा है। साइंस डायरेक्ट जर्नल ऑफ फूड कंपोजिशन एनालिसिस ये क्या बता रहा है, नोनी फ्रूट मोरिंडा सिट्रोफिलिया रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यूट्रिशनल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी, मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूट्रिशनल थेरेप्यूटिक मतलब इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण है, उपचार जैसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, ये बता रहा है। पबमेड, पबमेड क्या है, पबमेड सेंट्रल इज अ फ्री फुल टेक्स्ट आर्टिकल ऑफ बायो मेडिकल एंड लाइफ साइंसेस जनरल लिटरेचर एट द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये पबमेड के बारे में सभी डॉक्टर्स लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ये क्या बताता है कि पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ नोनी जूस रिव्यू ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन स्टडीज, ये बता रहा है पबमेड के बारे में, इसके बारे में दिया हुआ है। नवभारत टाइम्स ये क्या बता रहा है, पोषक तत्वों से भरपूर है नोनी जूस, रोजाना गर्म पानी के साथ पिए तो ये बीमारियां होगी दूर, हृदय को स्वस्थ रखने में नोनी जूस के कुछ ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, रोजाना एक गिलास नोनी जूस, एक गिलास नोनी के साथ जूस का सेवन करने से धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, तनाव भगाने में काम करता है, रोजाना एक गिलास नोनी जूस का सेवन करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और तनाव से राहत मिलती है, यही नहीं यह ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे कई औषधीय गुण होते हैं, ये सभी चीजें मस्तिष्क क्षति पर सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, कैंसर से बचाते हैं, गाउट से बचाते हैं, पीरियड की समस्या महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, पीरियड की समस्याओं को दूर, नोनी फल महिलाओं में होने वाली अनियमित मासिक धर्म की समस्याओं, पीरियड्स में होने वाले पेट में दर्द, ऐंठन, अधिक रक्त स्त्राव आदि को दूर करता है, जब बांझपन की समस्या का भी इलाज कर सकता है, ये इतना पावरफुल है। एंटी एजिंग, नोनी के रस से विटामिन सी और सेलेनियम पाया जाता है, ये आपको जवान बना के रखता है त्वचा को, अगर लगातार आज अग्रवाल सर का स्कीम जो देख रहे हैं वो रेसिगेनोटी के साथ इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो रेगुलर लेते हैं दम भर, गिलास भर लेते हैं, बोतल भर लेते हैं, इसलिए आज इतना 65 साल की उम्र में दम भर जवान है जी। स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। कुछ अदर बेनिफिट्स देखिए, क्वीन प्लांट बोला गया है, 2000 साल पहले इसके बारे में बताया गया, क्या बताया गया, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड कील पेन्स, दर्द से दूर करता है, दर्द को खत्म करता है, और रिसेंट डिस्कवर क्या किया गया है कि हार्मोन्स कॉल्ड सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करता है, ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल्स, ये पीनियल ग्लैंड के ऊपर बहुत अच्छा इसका रोल है, ये क्या रोल है, पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस रेगुलर सम हार्मोन्स मेलाटोनिन, ये क्या करता है, अच्छा नींद लाने में काम करता है, अगर अच्छा नींद आएगा, अच्छा मूड रहेगा, तो आप मस्त तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
ये पांच मेजर ग्लैंड्स को जो पीनियल ग्लैंड्स कंट्रोल करता है, थायराइड, यहाँ देखिए थायरोक्सिन टू एनर्जी एनर्जाइज आवर सेल, थाइमस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में, पेनक्रियाज उसको कंट्रोल इंसुलिन बनाने में ये काम करता है, क्यों हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड इसमें इसका बहुत बढ़िया काम करता है स्ट्रेस को कम करने में, और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उसको हार्मोनल तरीके से इसको रेगुलेट करता है। और डीएक्सएन नोने जी अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन होने नहीं देता है, एंटी एलर्जिक है। नोनी ये है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमेक्टेंट है, मतलब रिटेन मॉइस्चर, बॉडी के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन, ड्राई होने नहीं देगा आपके स्किन को, मॉइस्चर बना के रखेगा, शाइनिंग आएगा। इम्यून सिस्टम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रखेगा, पाचन क्रिया इतना बढ़ जाएगा दुरुस्त करेगा, दुरुस्त बिना किसी साइड इफेक्ट का। मेटाबॉलिक सिस्टम आपका जो अंदर का जो फंक्शन है उसको बढ़िया करेगा, टिश्यू को बढ़िया करेगा, सेल को बढ़िया करेगा, एज ए बैलेंसर ऑफ लाइफ। इसलिए दोस्तों अगर आपको जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो इसका पीना डेली चालू कीजिए। नोनी जी एकलौता दुनिया में, नोनी जी एक एकलौता ऐसा जिसके रोल डाला हुआ है, रोजल हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ नोनी जी के पावर को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। मार्केट में जितना भी नोनी आता है वो प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है और उस प्रिजर्वेटिव के कारण प्रेग्नेंट लेडी यूज नहीं कर सकती है, उस प्रिजर्वेटिव के कारण आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, आप एक्सेस उसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो नुकसान कर सकता है। लेकिन नोनी जी मैंने आपको पिया क्योंकि इसके अंदर रोजर डाला हुआ है, कोई नुकसान नहीं, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और बॉडी को फायदा भी करता है। नेचुरल एनर्जी बूस्टर, नेचर्स अमेजिंग हीलर, ये बॉडी को हील करता है, रिपेयर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है नोनी जी के अंदर, इनहांस सेलुलर हेल्थ पहले ही बता चुका हूं आपको, सेल लेवल पे जाकर के ये काम करता है, सेल रिसेप्टर्स को खोलता है, इंप्रूव्स डाइजेशन, पेन रिलीफ करता है, ब्लड जिसको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है दोस्त आप उसको बोलिए कि इसको जूस की तरह लीजिए, बहुत अच्छा सुधार आएगा, बहुत अच्छा सुधार आएगा। आप इसको दीजिए गुनगुना पानी के साथ 30 ml सुबह 30 ml शाम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आप लोग ले रहे भी होंगे और जो नहीं ले रहे हैं आप दे सकते हैं, दवा की तरह नहीं, प्रिवेंटिव और सपोर्टिव, सपोर्ट करेगा आपके बॉडी को। बाकी जिंदगी के कारण शुगर के कारण जो और भी ऑर्गन डैमेज होते हैं वो डैमेज होने से बचा देगा। लोअर हाई ब्लड प्रेशर, इसका बीपी हाई है आप उसको दीजिए, बहुत अच्छा सुधार लाएगा। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसके अंदर है, सपोर्ट बेटर स्लीप, अच्छा नींद आएगा आपको, इंप्रूव इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, प्रमोट जनरल हेल्थ, एंटी इंफ्लामेटरी, एक्टिव इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक। अगर आंत में इसको अल्सर बोलते हैं, आंत का घाव, आंत में कहीं कुछ हो गया, प्रॉब्लम रप्चर हो गया या डैमेज हो गया, आंत में रिपेयर करता है ये दोस्त, बहुत बढ़िया है, इसको दीजिए। रिपेयर रिफ्रेशिंग ड्रिंक, कहीं से आए मूड अच्छा नहीं है, मन कर रहा है ना इसको पिए, तो ठंड के मौसम में क्या कीजिए, गुनगुना पानी में, गर्म पानी में बना के पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, घड़े के पानी से या नॉर्मल एकदम फ्रेश पानी लीजिए और उसमें डालिए, मियाज एकदम रिफ्रेश, मूड एक पैसा हो जाएगा ना झकास, मन करेगा कि पत्नी को गले लगा ले, मन करेगा ऑफलाइन को चुमा ले ले, तो ऐसा मन करेगा, ये इसके अंदर पावर है। रोजेल डीएक्सएन नोनी जी, डीएक्सएन नोनी दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक जूस जिसमें रोजेल जूस भी डाला गया है और कोई नहीं है फ्रेंड, कोई नहीं है। बूस्ट एनर्जी, प्रिवेंट्स पैरासाइटिक इंफेक्शन, उससे बचाता है, यूज फॉर हेल्थ, हेल्दी स्किन एंड हेयर, हेल्प्स विथ डाइजेशन, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हेल्प्स इन स्टोमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले ही बता चुका हूँ, हेल्प्स इन ओवरऑल वेलबींग, आपके पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से अच्छा मैनेज करके रखेगा, हेल्प्स नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, सपोर्ट ज्वाइंट हेल्थ एंड मोबिलिटी, आपको घूमने फिरने में बॉडी को मूवमेंट में अच्छा काम करेगा, ज्वाइंट्स पेन में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, पावरफुल इम्यूनो स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा,
हेल्प सपोर्ट प्रॉपर डाइजेशन, डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा, सपोर्ट्स मेल एंड फीमेल, अगर मेल फीमेल कहीं भी प्रॉब्लम है आप उसको दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट ड्यू टू मेंस्ट्रुअल, किसी को भी मानसिक तकलीफ में दर्द होता है, बेचैनी होता है, मतलब काफी काफी ज्यादा तकलीफ होता है, मूड स्विंग होता है, आप इस नोनी जी को दीजिए, जरूर दीजिए महिलाओं को। और कितनी घर में महिलाएं हैं आप बता दीजिए, कोई ऐसा घर है जिसमें महिला नहीं है? अगर कोई घर में महिला नहीं है, घर नहीं है, मतलब दुनिया का सारा घर, चाहे वो इंडिया का घर हो, चाहे वो मलेशिया का घर हो, चाहे वो जापान का घर हो, वर्ल्ड का एक एक घर में महिला है और हर महिला के अंदर हार्मोन है। अगर हार्मोन चाहते हैं बढ़िया महिलाओं के अंदर, और अपनी बहन से और अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो दोस्त नोनी जी जरूर पिलाइए, नहीं तो आप एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। अगर कोई भी पत्नी और बहन सुन रही है तो ध्यान दीजिए, अगर आपका हस्बैंड बोलता है कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, चार को चुम्मा लेते, तो नहीं, आप नोनी जी कितना पिलाते हैं अपनी बहन को, आप नोनी जी कितना पिलाते हैं अपनी वाइफ को, आप नोनी जी कितना पिलाते हैं अपने माँ को, ये है रियल प्यार। फ्रेंड मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट ड्यू टू मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अब सेवन करने का विधि, सुबह में ब्रश कर लीजिए खाली पेट 30 ml सुबह लेने के, जैसे आप लिए खाली पेट ब्रश व्रश कर लिए, फ्रेश हो लिए, ले लिए, एक घंटा का गैप रखिए, इसको लेने से पहले एक घंटा कुछ मत लीजिए और इसके लेने के एक घंटा के बाद कुछ मत लीजिए। 30 ml सुबह एवं 30 ml शाम को, 60 ml ताजा पानी या गुनगुना पानी मिलाकर लें, इसे खाली पेट सुबह शाम लें, खाली पेट लेना है फ्रेंड, क्यों? ताकि ये बॉडी के अंदर जब जाएगा तो बॉडी के अंदर प्रोजेरोनिनेज के साथ मिल करके अकेले पूरे बॉडी में काम करेगा, अकेले इसको काम करने दीजिए, पूरे बॉडी के सेल लेवल पर जाकर के एक्टिवेट होने दीजिए, कुछ खाइए पीजिए मत। हाँ पानी पी सकते हैं, इसे लेने के एक घंटे पहले कुछ भी नहीं लें और इसे लेने के एक घंटे बाद ही कुछ खाए पिए, इसको लेने के एक घंटा के बाद ही कुछ लेना है। जैसे शाम में लेना है तो ऐसे नहीं कि 7 बजे लेना है तो 6 बजे खाना खा लिए, नहीं, कम से कम 4 घंटा पहले गैप होना चाहिए। दोपहर में खाना खाए 2 बजे 3 बजे तो कम से कम 4 घंटा गैप रखिए दोपहर के बाद, 4 घंटा पहले, ठीक है। इस बीच में पानी पिया जा सकता है, पानी पी सकते हैं, इसको ले लिए तो प्यास लग रहा है, जैसे मैंने पिया तो मैंने उसी तरह से, किंतु नोनी जी का इस्तेमाल करने के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस्तेमाल से पहले नोनी जी के बोतल को अच्छी तरह से हिला ले, जैसे मैंने हिलाया, नया नोनी जी के बोतल को खोलने के बाद इसे ठंडे स्थान पर ही रखें, क्योंकि तो इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए इसको ठंडे स्थान पर रखना है या फ्रिज में रखे हैं। घर में फ्रिज नहीं हो तो घड़े में पानी भरकर इसके अंदर बोतल को बंद करके रखें तथा घड़े का पानी रोज बदलते रहें। क्यों? प्रिजर्वेटिव नहीं है, एकदम 100% नेचुरल है। नोनी जी के एक बोतल को खोलने के बाद 20 दिनों के अंदर इस्तेमाल करें, इसको जब खोलें तो 20 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। क्यों? प्रिजर्वेटिव नहीं है, हवा के कांटेक्ट में आएगा, इसलिए इसको 20 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लीजिए। लास्ट नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो हार्मफुल केमिकल्स, नो साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट होता दोस्त तो मेरा मूड अभी तक अच्छा नहीं होता, मैं आपके सामने इतना मस्त बात नहीं करता और मैं लेट चुका होता। अगर बाहर का लिया रहता जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला होता तो मेरा पेट का प्रॉब्लम हो चुका। ये है पावर नोनी जी का। तो दोस्त लाइट कैमरा एक्शन, आप एक्शन लेना चालू कर दीजिए, नोनी जी दम भर इस तरह से पी, ये देखिए आपके बॉडी का नोनी जी कितना मस्त तंदुरुस्त। क्या बोल रहा है? लाइट कैमरा एक्शन चालू कर दीजिए अभी से, अभी जहां भी बैठे हैं नोनी जी का बोतल खोलिए और पीना चालू कीजिए, लोगों को बताना चालू कीजिए। दोस्त हर घर में महिला है, हर घर में हार्मोन है, हर बॉडी के अंदर हार्मोन है, कितना पैसा छाप सकते हैं आप सोच लीजिए, नोनी जी से कितना पैसा छाप सकते हैं फ्रेंड, कितना पैसा छाप सकते हैं, उतना छाप सकते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। दोस्त सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगा। एक्शन लो, आज से एक्शन लीजिए, कल बिल जो आपका कटेगा रिडेम्पशन में, आपका नोनी जी का बिल होना चाहिए जरूर से जरूर। तैयार है दोस्त? तो आइए मिलके काम करें और पूरे दुनिया पर स्वास्थ्य क्रांति को फैलाएं और डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम का पालन करें और हम सब लोग मिलियनेयर बन जाएं, मल्टी मिलियनेयर बन जाएं।
थैंक यू। इसी के साथ आज का मेरा मीटिंग समाप्त। आपके सामने आप सबको मेरे गुरु माता, मेरे गुरु पिता, मेरे रिच डैड को प्रणाम, चरण स्पर्श। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं निरंतर स्वस्थ रहूं और मिलियनेयर बनता रहूं और लोगों को मदद करता रहूं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव, जय आरबीसी। थैंक यू अरविंद, जबरदस्त हो गया आपका अभी का मीटिंग, जबरदस्त हो गया, क्योंकि इसका जो आपका नहीं है अभी, आपका जो ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में क्लास जो छोड़ करके भागेगा दोस्त, वो कभी सफल नहीं होगा। वो अमीर नहीं बनेंगे। आपने कितना बड़ा चांस अभी मिस किया है। आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट है जिसको आपने लिंक नहीं भेजा। अगर नहीं भेजा है तो अभी से फिर से भेजना चालू कर दीजिए नोनी जी के बारे में, और कहीं भी नोनी जी के बारे में बताइए, स्पर्ना के बारे में बताइए, या कोई भी आप गेनरमा का या स्पर्ना का कोई भी प्रोडक्ट बताइए। आप उनके घर में जाकर करके आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। ये आपके घर में मीटिंग हो रहा है, आपके घर में कैंप हो रहा है, आपके घर में बड़ा मीटिंग हो रहा है, आपके घर में फ्रीडम डे हो रहा है, आपके घर में गाला इवेंट हो रहा है, मेगा इवेंट हो रहा है, और इस इवेंट का फायदा दम भर उठाइए फ्रेंड्स। इस मौका को हाथ से जाने नहीं दीजिए। और एक बात और, जितने आपके टीम में आरबीसी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर होंगे उससे 10,000 पीवी आप काउंट कर दीजिए। अगर आपके टीम में एक सब्सक्राइबर है और रोज एक एक रोज एक ठीक 7:10 पहले अगर रोज देखता है, तो वो 300 दिन अगर देखता है तो मतलब वो 10,000 पीवी है। अगर आपके टीम में 5 लोग हैं रेगुलर देख रहा है तो 50,000 पीवी आ सकता है, लेकिन 300 दिन देखना होगा 7 बजे। अगर आपके टीम में 100 लोग हैं तो आप सोचिए दोस्त कितना हम खड़ा कर सकते हैं, 10,00,000 पीवी खड़ा कर सकते हैं। तो अभी yes. का अभी आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, और इसी तरह से वर्ल्ड वाइड आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप पूरे दुनिया में स्वास्थ्य क्रांति फैला सकते हैं, और आप पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये वन वर्ल्ड है, वन मार्केट है, वन फिलोसफी। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक अरविंद, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका हो गया आज, ये जो चाहिए सबको, सारा डाउट किसी के साथ अभी किस तरह का भी डाउट ना हो सके, इस तरह का प्रेजेंटेशन आपने किया है। हमारे सभी व्यूअर्स डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल व्यूअर्स को अनुरोध है, आप लोगों ने 7 बजे का ये डेली प्रोग्राम डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल में जबरदस्त ट्रेनिंग हम देते हैं, उसका फायदा उठाकर आपके टीम के साथ आपने डेली, आप देखना नहीं, आप आज ये मीडियम को जबरदस्त यूज कर सकता है, 100s of people को जोड़ सकता है, नया लोगों को डीएक्सएन प्रोडक्ट का पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग पावर क्या है, और अमीर बनने का तरीका क्या है, यहाँ जोड़े तो डेली आपको होल इंडस्ट्री का डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को हम बाहर लाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। अभी हमारा नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, लीडरशिप के बारे में, टीम बिल्डिंग के कला के बारे में, इस तरह चुनकर चुनकर एक एक टॉपिक को हम लाएंगे, उसका फायदा फुल उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, गुड मॉर्निंग। हेलो योगी, योगी है?